लीजिए प्यारे बच्चे, स्टैटिक्स पर आधारित एकदम ही सरल क्वेश्चन, सुनिएगा बड़े गौर से। हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी और इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो जीरो हमें मिला है एक बार, दुक्की मिली है एन बार, चौका मिला है एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू बार, और हमसे उसका मीन कुछ बता रहे हैं। इसका मतलब होता है कि जीरो का मल्टीप्लाई करिए इसके साथ, जीरो एन सी जीरो प्लस इसका मल्टीप्लाई उसके साथ टू एन सी वन, फिर टू की पावर टू एन सी टू, ऐसा डॉट डॉट डॉट, टू की पावर एन एन सी एन अपॉन कितनी बार डाटा गिना गया, तो भाई इन सब का सम, सॉरी इन सब का सम, तो एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू एन सी एन, और इसको इज इक्वल टू में अपन ने लिखा 7 to 8 अपॉन 2 की पावर n। अच्छा दोस्त, इसको ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, बोलो 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 ये क्या है, 1 plus x की पावर n का एक्सपांशन थोड़ा याद कीजिए, 1 plus x की पावर n का एक्सपांशन याद करिए, एन सी जीरो एक्स की पावर जीरो, एन सी वन एक्स की पावर वन, एन सी टू एक्स की पावर टू, एन सी एन एक्स की पावर एन। तो ये जो है, ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये रहा, तो हमारे पास ये क्वांटिटी है, ये रही, ये तो जीरो है, इसकी बात मत करो, ये रहा। तो x की जगह एक्चुअली 1 plus 2 की पावर n है, और ये उठ के माइनस वन इधर आ गया, ये वाली क्वांटिटी इधर, यानी कि 3 की पावर n माइनस 1, और ये तो आप लोग बचपन से जानते हो, ये 1 plus 1 की पावर n है, तो ये 2 की पावर n बुडुम हो गया, 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 7 to 8 हो गया, ये उठ के उस तरफ चला गया, 3 की पावर n इज इक्वल टू 7 to 9। अब आप लोग बस मुझे इतना बता दीजिए कि 3 के ऊपर अपन क्या पावर लगाएं तो 7 to 9 मिलेगा। तो देखिए 3 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 9 3 27 3 81 3 243, 243 इंटू 3 करने पर मुझे उम्मीद है कि ये मिलेगा। तो 243 इंटू 3 किया, 3 3 9 4 3 12, 3 2 6 7, यानी कि 3 3 9 3 27 3 81 3 243 3, यानी कि n बराबर 6 आंसर। थैंक यू।